मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है। मनप्रीत को भूख लगी हुई है। मनप्रीत चाहता था मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाऊं, लेकिन मैंने बनाया नहीं, और उसकी वजह से मनप्रीत को काफी गुस्सा आ रहा है। और अब मनप्रीत ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन वो खुश होकर ब्रेकफास्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको परांठे चाहिए हाँ यार, छुट्टी थे। छुट्टी वाले दिन मजा आता है परांठे खाने का, लेकिन चलो। लेकिन चलो, समझौता गमों से कर लो। भूख और मनप्रीत परेशान है, लगी है परेशान हूँ मैं, इतनी। परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ। हाँ यार, थैंक यू सो मच। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो मैकडोनल्ड्स का ब्रेकफास्ट बहुत ही यमी होता है। ऑब्वियसली अनहेल्दी होता है, एवरीडे खाना इज़ नॉट एडवाइजेबल, लेकिन कभी कभी आप इसको खा सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, बिकॉज इट्स रियली रियली यमी। तो अब हम अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। यार आज यहाँ पे वही इंडिया वाली गर्मी लग रही है, बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर से हमारी जो गाड़ी की बैटरी है 162 माइल्स है, तो पता नहीं अब हम पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि हमें यहाँ पे दूर दूर तक कोई सुपर चार्जर नजर नहीं आ रहा। तो आज लगता है हमारी बैंड बजने वाली है। उनपे क्या लग रहा है तेरे को? देखो भाई, यहाँ से जहाँ हमने जा रहे हैं वो है 30 माइल, और वहां से वापस आने के लिए हमें 100 माइल चाहिए। मुझे लगता है हम पहुंच जाएंगे। विदिन 100 माइल्स यहाँ पर कोई चार्जर नहीं है, तो बड़ा क्लोज कॉल हो गई है। बर्मिंगम से यहाँ पे एक 190 180 90 माइल दूर एक जगह है डॉर्सेट, जहाँ पे एक जगह पड़ती है डडल डोर, काफी फेमस जगह है। और वो एक्चुअली मैंने कल ही उसके बारे में पढ़ा कि वो एक किसी का प्राइवेट जगह है किसी की, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने ओपन रखी हुई है फॉर पीपल लाइक अस, कि वो वहाँ पे जाएं उस जगह को विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वहाँ पे पहले भी एक बार जा चुके हैं, तो हमने डिसाइड किया एक बार फिर से जाते हैं। मैं यहाँ पे मनप्रीत, आज कसम से इतनी गर्मी हो रखी है ना, फील हो रहा है। आज बाहर 25 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन गाड़ी में और ज़्यादा गर्मी लग रही है, क्योंकि एक तो उसकी सनरूफ है, ऊपर से पूरी गर्मी लाइट आ रही है, धूप आ रही है। एसी मैं बीच बीच में ऑन कर रहा हूँ और ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि जितना एसी ऑन करोगे उतनी बैटरी कंजप्शन होगी, और मुझे इस टाइम थोड़ी सी बैटरी को सेव करना है, क्योंकि 150 माइल तक हमारे पास कोई भी चार्जर नहीं है, और अभी 150 माइल की ही रेंज बची हुई है। तो बिल्कुल अभी हम दिखा रहा था ना 39 माइल्स दूर है, वो क्या है? वो उस तरफ था 39 माइल, अच्छा आगे अच्छा उस तरफ अब हम था, आगे जा रहे हैं ना। तो रेंज बचा बचा के चला रहे हैं। मैं ज्यादा तेज भी नहीं चला रहा। ओके, और यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन आया भाई, हमारे घर के पास कोई है, कुछ और तो नहीं आ गया? कैमरे में नोटिफिकेशन आया है, तो देखते हैं भाई कौन है हमारे घर के आसपास। सो दोस्तों, हम उस जगह पे पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट। अभी हमें बस एक और थोड़े और सकते हैं और हम बिल्कुल बीच के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो है ये। वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एरिया है वो, ये आई थिंक आपने काफ़ी वॉलपेपर्स में भी देखा होगा विंडोज़ के, और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है यार, यहाँ पर ना अभी कोविड का टाइम चल रहा है, लेकिन किसी ने मास्क वास्क नहीं डाला। ये जो रास्ता है ये सीधा हमें बीच पे ले जाएगा। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आने वाले और जाने वाले सभी एक ही रूट के थ्रू जाते हैं। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप मैन ऑफ वॉर था, जो कि हम नहीं गए, और हम जा रहे हैं राइट साइड डडडो। अभी हम यहाँ पे, हमारे पीछे आप देख सकते हो जो क्लिप्स हैं बड़ी बड़ी, ये लाइमस्टोन की क्लिप्स हैं। और यहाँ पे आस पास का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम बैठे हैं, इतना दूर बीच से हमारे पाँव, और यहाँ पे आप देखो यार, दूर दूर तक कितना पीस है इस जगह पे। और हम वहाँ से भीड़ भाड़ से दूर आके यहाँ आके बैठे हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि यार लग ही नहीं रहा था कि हम बीच पे।
तो फिर हमने वहाँ से चल के अपना डिस्टेंस कवर किया और हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मैं थोड़ी मेडिटेशन करने जा रही हूँ। कोई तकरीबन 3 साल पहले हम यहाँ पर आए थे और 3 साल पहले जुलाई में आए थे मेरे बर्थडे पे और यहाँ पे मौसम बारिश हो रही थी, तकनीक चलती है ना, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मुझे याद है हमने जैकेट्स पहने हुए थे। हाँ, आज का बिल्कुल ऑपोजिट है और अभी लेकिन ये जगह बहुत ही अच्छी है। अगर आप कभी भी यूके आते हैं, इंग्लैंड आते हैं, यूरोप आते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं तो मेक श्योर करिए कि आप यहाँ पर आने के लिए। आई थिंक यहाँ पर आपको सिर्फ कार के थ्रू ही आ सकते हैं और हमने यहाँ पर भी कार पार्किंग के चार्जेस दिए हैं 5 घंटे अप टू 5 घंटे हमने दिए हैं, 5 पाउंड दिए हैं 5 घंटे। जो गलती हमने की है ना आप मत करना, हमने अपने खाने पीने का सामान रास्ते में ही ख़त्म कर दिया। मैं क्यों करिएगा, कोई चटाई या कुछ नीचे कुछ खाने के लिए लेके आए, साथ में खाने पीने की चीज़ें लेके आए, यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं जाएं, जहां भी जाएं अपनी टूरिस्ट प्लेस पे, उस जगह को सफाई ज़रूर रखें। अभी मैं निकल रहा था यहां पर मुझे ये प्लास्टिक का मिला है जो कि रबिश है। यहां पर लोग आए हैं, उन्होंने अपनी पिकनिक एंजॉय किया है, खाने पीने का प्लास्टिक जो है यहां पे छोड़ गए, तो ऑब्वियसली मैं इस प्लास्टिक को उठाकर बिन में डालूंगा। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी अंदर चला जाता तो बिल्कुल अभी दोपहर है और क्योंकि वेव्स जो हैं समुंदर की अभी वहाँ तक है, लेकिन रात को ये वेव्स यहाँ तक जाती हैं, तो ये जो प्लास्टिक का बैग है ये रात को समुंदर के अंदर हो सकता था, पोल्यूशन क्रिएट कर। तो कोशिश करो अपने आसपास का एरिया साफ रखने की। अगर आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जो एरिया है उसको साफ रखें, अपनी रबिश अपने साथ लेके जाएं। सो गाइस, हम ऑल द वे उस अंदर से उस मिट्टी के ऊपर से पूरा लिटरली पहाड़ के ऊपर से ऐसे स्टीप पहाड़ जो था उससे हम चढ़ के आए हैं वहाँ से, और हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा हम चढ़ के आए हैं, बट वी हैव डन इट, सो फार सो गुड। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये तुम देख सकते हो इतना हमने रबिश हमने इकट्ठा किया है जो भी वहाँ लोगों ने फेंका हुआ था। दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, इट्स अलार्मिंग, इट्स हाई टाइम अपने एनवायरनमेंट को, अपने क्लाइमेट को, अपने ओशंस को, अपने इनको साफ रखो यार। इसमें देखो कोई बियर की बॉटल्स, कोई पानी की बॉटल्स, कोई खाने का सामान, क्रिप्स, ये सब बंदों ने खा पी के बीचेस के पास छोड़ दिया हुआ है, विच इज़ रियली बैड। वाह, यहाँ से जो व्यू है ना, वाह ब्यूटीफुल व्यू। ओह वाह, लुक एट दिस व्यू, ये जो व्यू है ना अनप्रिस, दिस इज, ये आपने काफ़ी मूवीज में देखा होगा, वन ऑफ द बेस्ट व्यू। और आई थिंक हमें थोड़ी देर यहाँ पर ना बैठना चाहिए, थोड़ी सांस ले लेते हैं। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो नीचे ही बैठते हैं क्योंकि ज़्यादा एडवेंचर उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें एक्सप्लोर करने का मज़ा आता है, तो हम इस क्लिफ पे आए हैं आज, विच इज़ रियली गुड। तो हम यहाँ से पूरा वहाँ तक जाएंगे, वो जो पूरा यहाँ से लेके वो उधर तक, हम वहाँ से नीचे आए थे, यहाँ से पूरा हम वॉक करके पूरी वहाँ तक गए आज तक, एंड उसके बाद हम वापस यहाँ पर आए हैं क्लिफ के ऊपर से, और क्लिफ के ऊपर से अब हम अपनी कार पार्किंग जहाँ पर है वहाँ पर जा रहे हैं।
ये क्लिफ चढ़ना थोड़ा सा और मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे हाथ में ना, मेरे हाथ में एटलीस्ट 10 kg का रबिश बैग है, तो फीलिंग वेरी टायर्ड। सो गाइस, इसी के साथ हमें देख सकते हो हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वी हैड इनफ फॉर टुडे। अभी हमने 3.5-4 घंटे की ड्राइव करके वापस आना है और रियली आज का दिन काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल बड़ा अच्छा मज़ा आया एडवेंचरिंग, और हमने काफ़ी अच्छे काम भी किए आज, रबिश उठाई हमने बीच में आके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी गाइस, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, बाय बाय।